खूबसूरत चीज है और वक्त जो है ना वो खोल के इंसान को सामने ले आता है। सो आज जब हम उनसे मिलेंगे तो आप भी इस पे यकीनन मेरे साथ एग्री करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको यहाँ बुलाऊं, चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, गेस गेम। वो पाकिस्तान के वो हीरो हैं जो आज तक फिल्म में भी हमें नजर आ रहे हैं, वो एक जमाने से काम कर रहे हैं और अभी तक उनकी फिल्म आ रही है। गेस करें कोई नाम, आपको पता है, क्योंकि मुझे यकीन था कि इसका जवाब आना चाहिए कि शान। शान तो है, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को साबित किया है कि इतना वक्त गुजरा है, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे बहुत ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं, बल्कि उनकी बेगम साहिबा भी इज बिकमिंग इवन प्रिटियर। प्लीज वेलकम फिल्म स्टार एंड डायरेक्टर मोअम्मर राना एंड मेहनाज राना। मैं आज तो आपकी बेगम की तारीफ करूंगी आपसे पहले, मुझसे ज्यादा करेंगी आज, इसलिए कि अल्लाह से कोई सीक्रेट तो बताएं हमें, क्या करें हम भी। सीक्रेट अभी बैठते बताती हूं। चलाएं बैठते हैं फिर जल्दी से, बिकॉज़ आई वुड लव टू हियर इट आउट। सर आप ठीक? ठीक है। आप भी माशाल्लाह बड़े सलमान खान और बड़े मतलब खूबसूरत बॉडी एंड एवरीथिंग। जो सीक्रेट अभी आप इनसे पूछी थी वो हमारा यही है कि जिम, वी गो टू जिम रेगुलरली, और दोनों मियां बीवी इकट्ठे जिम करते हैं। यस इकट्ठे, अगर टैक्स ना लगे तो अभी तक तो कच्चे कर रहे हैं। बट इतना काम करते हैं आप सारा दिन ये वो, लेकिन जिम एक ऐसी चीज है जिसके बाद आप फ्रेश हो जाते हो। यस यू आर बैक, वरना उसमें कोई मेरी होती है 510 रैप्स निकालनी होती है मुझे, 510 रैप्स निकालनी होती है अपर बॉडी की सिर्फ, जिस भी मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन वो आधे घंटे में वो आपको पूरा करना ही है अपना टारगेट। और मेरा सर से भी बात नहीं करते उस टाइम ना, वो एक वाहिद 45 मिनट में बात नहीं करता। और आप भी नहीं करती? नहीं, ये तो वैसे ही छोड़ देती है कि जाओ भाई ये करें। इट्स नॉट गुड बिकॉज मैं समझती हूँ कि ट्रेनिंग वही होती है जो मेंटल और फिजिकल हो। अगर आप हम 3 साल से रेगुलर रिलीजियसली जा रहे हैं और मैं इतनी औरतों को देखती हूँ जो अभी तक उतनी ही उतना साइज है जो पहले दिन आई थी, बिकॉज़ इट गॉसिप। गॉसिप औरतों की बात कर रही हूं, मतलब वो जिम पार्टी बना लेती हैं। मैंने कहा ये कौन सी औरतों की बात कर रही हैं जो जिम आती हैं, लाइक दे टॉक अबाउट मेड्स और मेरे मियाँ का फेयर इससे है, तुम्हारे घर में क्या खाना है, वो पकड़ा गया आज उस पर छा। कैसे अपने आप को मेंटेन करती हैं? माशाल्लाह मैं खाती से सब कुछ हूँ, माशाल्लाह कोई डाइट शाइट का सीन नहीं है, तो फिर ना करनी चाहिए बिकॉज़ आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट के डाइट। मुझे नहीं लगता जब से आपकी शादी हुई है आपके ड्रेस का साइज कोई एक इंच भी बड़ा होगा। माशाल्लाह हैविंग थ्री डॉटर्स, टू डॉटर्स, माशाल्लाह टू डॉटर्स, बट स्टिल यार मैं तीसरी का कैसे पता चला तुम्हें? मैं या फर्क क्या, तुमने एक सीक्रेट पता को मेरे सामने नहीं, इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। आई थिंक एक इनर सोल होता है ना वो रिफ्लेक्ट करने लगता है विद एज। आप आई ऑलवेज वॉन्टेड कि आप एज के साथ ग्रेसफुल होना चाहिए, अपनी एज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे बड़ी थी। तो आप छोटी ही रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली। इट्स ऑल अबाउट बींग हैप्पी, खुश रहें। एक तो शक करना बिल्कुल आपकी ज़िंदगी और हेल्थ और औरत की हेल्थ के लिए सबसे जो बुरी चीज़ है। तो इतना खूबसूरत दुनिया हो तो फिर बंदा क्या करे, जिसके पीछे खवातीन बेडरूम तक आ जाएं, मतलब और इससे बड़ी और तबाहकुन बात है। कसम से मैं आपकी जगह होती तो मैंने तो खुद कुछ हमला कर देना था उसको। ये मेरी सारी दोस्तें मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये कर, मैंने कहा इसलिए तुम मेरी जगह नहीं हो। यू नीड अ बिग हार्ट, ठीक है ना, और बस फिटनेस का राज यही है, खुश रहें, सब कुछ खाते रहें, प्लीज कोई डाइट ना करें, लेकिन बर्न इट आउट, एक्सरसाइज जरूरी नहीं, आप जिम जाएं, डांस इज द बेस्ट। यू डांस एट होम? यस यस, ओह माय गॉड, आई वाज इन आवर्स ऑफ डांसिंग। मैं भी जिम इसलिए साथ लेके जाता कि मुझ पे छापा ना पड़ जाए किसी को। नहीं वो तो मार नहीं, हाथ तो किसी और के हाथ में था। मोअम्मर राना साहब ये आप हमें सुनाएंगे वाकया, ये क्या कह रही है मेहनाज? बस हो जाता है यार, अब हो गया, अब बट वे बैक। हाँ अब उन पे भी बुढ़ापा आ गया है तो वे बैक जाहिर है। उन पे भी बिकॉज देखो औरत की एज जल्दी ढलती है, हीरो की एज लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपने अपने आप को फिट रखा हो तो ओनली। हमारे यहाँ वैसे भी
हीरो जिस खातून के साथ हीरोइन आता था, ड्रामों की बात कर रही हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, अब वो खातून माँ का रोल कर रही होती है और वो हीरो जो है उसकी दो बीवियां होती हैं, वो दो बीवियों वाले शोहर का कैरेक्टर कर रहा हूँ. बिल्कुल सही, 100%. ये हमारा जो है ये कल्चरल सिलसिला नहीं, मगर आप उधर भी देखो ना, माधुरी एंड सलमान have worked together, but Madhuri cannot act with Salman Khan. Romantic heroes जो हैं वो थोड़ी देर आते हैं, उसके बाद फिर decline आना शुरू हो जाता है, because लोगों ने उनको सिर्फ उसमें देखा होता है. तो जारी बात है, एज जब आती है तो आप रोमांस करते बुरे लगते हैं. आप पे वैसे सर इतनी, मतलब एज डज नॉट रिफ्लेक्ट सो मच ऑन यू, नजर नहीं आती है. बचा के रखा ना मैंने. अरे क्रेडिट आपका है, वाह भी वाह, मेहनाज जी संभाल के रखा. अभी ताली नहीं मारनी. आज मैं पहले बता दूं, सारे क्रेडिट मेहनाज के, सारे क्रेडिट मेहनाज के, सारे क्रेडिट. कैसे नाराज नहीं? देखो ये तो बहुत बड़ी है, जिस जगह पे ये थे अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी चीज़ों से बचाए रखा. और उस वक्त जो इंडस्ट्री में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस किस्म के लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये एक पढ़ा लिखा ख़ानदान से, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से लड़का आया, तो हम इसको किसी ना किसी तरह पुल डाउन करें. बिकॉज ये उनमें से नहीं था. यू सी ही वाज ऑलवेज कॉल्ड एन एलियन, एंड स्टिल अभी तक इसको एलियन ही कहा जाता है. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से इसको बचाया, मुझे बचाया. वी वेंट थ्रू अ लॉट. जो बज़ाहिर लोग नज़र आते हैं वो है नहीं. इट्स क्वाइट फेक. दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी, बारों संगी. तो ये तो दुनिया का फॉर्मूला है. ओके, अच्छा मेहनाज़ी, आप बता रही थी अभी कि टेक्स अ लॉट एक घर को कायम रखना, एक फिल्म की दुनिया के हीरो के, वो क्या चीज़ें होती हैं जो चैलेंज आपके लिए आए? मेरे ख्याल में फारा, इट्स अ जर्नी जो बहुत से ट्रायल से आपको गुजरना पड़ता है, इसके लिए बहुत सब्र चाहिए. एंड मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, अगर कोई और गुजरे तो शायद वो ज़िंदा ना रह सके. अच्छा जी, बिल्कुल. ऐसा क्या था? ऐसा बहुत कुछ था, क्योंकि कुछ नज़रें सबकी इनकी तरफ ही थीं और रुख भी इनकी तरफ ही थे. तो कॉम्पिटिशन वो तीन चार उस वक्त का होगा ये. एक ने तो कहा कि मंगनी हमसे पहले हो गई, ठीक है. एक ने कहा जब मेरी बात पक्की हुई, एक ने कहा मेरे आपसे पहले, मेरे फेस पे आपसे पहले मेरे से शादी हो गई इनकी. एक ने शादी के बाद कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ. तो ये चीज़ें सहना, इनसे गो थ्रू होना. आप लड़ी नहीं? आपने मतलब मोमर आने साहब से लड़ाई नहीं की मंगनी के बाद? इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. शायद अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती या समझदार ना होती तो फिर इसमें फिर लड़ाई ही होती है. थैंक यू वेरी मच अंकल एंड आंटी, आपने इनको पढ़ाया. तो बैकग्राउंड बहुत काउंट करती है. अच्छा, इतना सारा कुछ है नहीं, एंड यू टुक इट, और आपने मतलब अपने मियां के शक किस चीज़ पे भाई? जब शक किस चीज़ पे, जब मुझे वो फेस पे कह रही हैं आई लव योर हस्बैंड, शक किस पे करूँ? नहीं नहीं, आपको यकीन था कि अच्छा ये है अब, एंड लेट्स डील विद दिस. या मेरा यकीन अल्लाह पे है और किसी चीज़ पे नहीं. दैट्स इट सर. आपने बड़ा वो लाफ्टर, वैसे तो मोहम्मद आना है आप, लेकिन शफकत चीमा वाला लाफ्टर दिया. अल्लाह ना करे. नहीं, लाफ्टर आपने वही वाला दिया सर, तो आप उसका थोड़ा सा बता दें कि वो क्या है. जारी बात है, मतलब एक, चलो हीरोइन से हटके भी एक बात बताता हूँ आपको. हाँ, मतलब हमारी शादी के बाद वी वर इन द रूम, तो मेरी बर्थडे थी जी. अंदर बेडरूम के अंदर, घर के अंदर बेडरूम जी, के जी, अंदर. जी जी. Okay. तो मैंने कहा शायद इसके जानने वाली है. मैं कहा मेरी तो नहीं है जाने वाली, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं इसे. And I thought इसकी कोई कजन है, बिकॉज़ शादी को साल हुआ था हमारा फर्स्ट बर्थ. अच्छा, तो नीचे अम्मी थी. अम्मी ने कहा शायद, अम्मी ने भी यही सोचा कि मेहनाज की कोई कजन होगी. वो सामने आई खड़ी हो गया, मेहनाज मुझे देखे, मैं उसको देखूँ, फिर मैं मेहनाज को देखूँ. कि नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है भाई.
She was a crazy fan. ऐसे really? Yeah. उनको यहाँ तक पता चल गया कि मैं किसी जगह जाता हूँ shopping के लिए, तो she started a job there. Oh my God. वहाँ पे आता है. Really? तो ये एक किस्सा बता रहा हूँ इस तरह के बहुत ज़्यादा किस्से. So नहीं तो she took a job there. उसने वहाँ काम करना शुरू कर दिया इसी बहाने. She used to come रोज आती थी वो तकरीबन रोज बेल देती थी और मेरी सास से बेग करती थी कि प्लीज मुझे देखने दें उनको मिलने दें एवरी डे.